गुड मॉर्निंग एवरी वन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मीटर ब्रिज। गुड मॉर्निंग। ओके, मीटर सेतु। तो सबसे पहले इसकी क्या करते हैं, परिभाषा, क्वेश्चन कैसे आता है इसको पहले समझ लेते हैं हम। मीटर सेतु किसे कहते हैं? मीटर सेतु की व्याख्या निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, मीटर सेतु किसे कहते हैं? मीटर सेतु की व्याख्या निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। नंबर वन, विद्युत परिपथ। नंबर टू, संरचना। नंबर थ्री, क्रियाविधि। नंबर फोर, सूत्र की स्थापना। नंबर फाइव, प्रेक्षण सारणी। नंबर सिक्स, सावधानियां। और नंबर एट, विशिष्ट प्रतिरोध की गणना। ऐसे पॉइंट है आपके पास में सात, है ना। क्रम से हम क्या करेंगे, इसको करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसको देखते हैं, ठीक है। परिभाषा देंगे इसकी। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, मीटर सेतु कहलाता है। क्या होगी डेफिनेशन? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है मीटर सेतु? किस सिद्धांत पर कार्य करता है बोलिए? यस, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। संदीप शिव, तुम्हारा ये जो हाथ दिखाई दे रहा है, हाँ हटा उसको। तो पहली चीज तो क्या मालूम होना चाहिए, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या करते हैं इसका, इसकी सहायता से, है ना, चालक तार का प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या कर सकते हैं, हम विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये दो काम हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो ये परिभाषा में दोनों बातें क्या हो जानी चाहिए, आपकी इंक्लूड हो जानी चाहिए, ठीक है। क्या होगी डेफिनेशन, एक बार फिर से बोल देता हूँ। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, मीटर सेतु कहलाता है। क्लियर? यस आर नो? तो यस यस, ठीक। तो ये हो गया आपका मीटर सेतु। अब इसकी मैंने बोला आपको कि भाई कितने सारे पॉइंट बताना है, सात। पहला क्या बताया मैंने आपको, विद्युत परिपथ। नंबर टू, संरचना। नंबर थ्री, क्रियाविधि। नंबर फोर, सूत्र की स्थापना। नंबर फाइव, प्रेक्षण सारणी। नंबर सिक्स, सावधानियां। नंबर एट, अज्ञात विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करना। यह आपका प्रैक्टिकल भी है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यह आपका प्रैक्टिकल भी है कोर्स में, है ना, इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, सभी के लिए। क्लियर? तो देखते हैं। नंबर वन है आपका विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की स्पेलिंग आपको मालूम होनी चाहिए, CIRCUIT, सर्किट। ओके, तो संरचना बनाते हैं इसकी पहले।
ये इस तरह से, ए यहाँ एक पॉइंट, इसको एम, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ इसको सी पॉइंट देते हैं, ये हो जाता है एन, ये डी है, ये एक्स है, ये वाई है, और यहाँ यहाँ एक मीटर स्केल लगा होता है। अब इसे देखते रहिए आप, है ना, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं यहां पर एक प्रतिरोध बॉक्स होता है आर बी, इस तरह से, और यहाँ एक अज्ञात प्रतिरोध इस तरह से जुड़ा होता है यहाँ। हाँ, ये हो गई इसकी संरचना, ठीक है, मीटर सेतु की संरचना, ये सेल सी, ये कुंजी के, ठीक। अब करने वाले क्या कहें, देखो यहाँ पर मैं पूरी बात अभी और बताने का रह गया हूँ। यहाँ पे यहाँ एक जी है, ये सब संयोजी पेंच है, संयोजी पेंच मतलब स्क्रू, संयोजी पेंच का मतलब क्या होता है, स्क्रू है यहाँ पर, ये है ना, ये स्क्रू लगे हुए हैं, अभी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा, ठीक। और यहाँ एक धारामापी जी होता है, धारामापी जी, और धारामापी जी का संबंध होता है जॉकी से, जॉकी जे, है ना, जॉकी जे है, और इस नाम बिंदु को नाम देते हैं बी, इस तरह से। अब यह है इसकी संरचना, यहां पर कौन सी चीज क्या है पहले समझ लेते हैं, है ना। वैसे अगर डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाने के बाद आपको उसकी पूरी व्याख्या नहीं करना है, है ना, आपको एक क्या बोलना चाहिए, सिंबॉलिक रूप में क्या करना है उसको बताना होता है। तो यहां कौन कौन सी चीज क्या है मैं पहले लिख देता हूं, है ना, कौन सी चीज क्या है पहले हम देख लेते हैं इसमें डायग्राम में। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, पहले देखते हैं हम, जहां तो आपको समझ में आने लगेगा। या चलो पहले अभी इसकी संरचना देखते हैं क्या होता है इसमें, पहले आप रफली समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है, इसकी संरचना में हमको बोलना क्या है, है ना। तो इसमें एक मीटर लंबा तार होता है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु होती है मैग्नीन, कौन सी धातु होती है, मैग्नीन, मैगनीन, ये ठीक है, तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु होती है मैग्नीन, है ना। उस मैग्नीन का क्या करते हैं, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला एक तार लेते हैं, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला क्या करते हैं, एक तार लेते हैं, और उस तार को क्या करते हैं, लकड़ी के तख्ते के ऊपर क्या करते थे, कसते हैं, किनकी सहायता से, ये पीतल की पत्तियों की सहायता से, ए एम दिख रही है ऐसी, ए एम और ये सी वाई, ये ए एम ये वाली पत्ती और सी वाई ये वाली पत्ती, ठीक है। तो ए एम और सी वाई की सहायता से क्या कर देते हैं, एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर मिश्र धातु की, मिश्र धातु का जो तार है, मैग्नीन एक मिश्र धातु है जिसका प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, इस लकड़ी के तख्ते के ऊपर क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है, राइट। फिर एक और पीतल की पत्ती होती है, इन दोनों पत्तियों के बीच में, ए एम और सी वाई, इन पीतल की पत्तियों के बीच में एक और पीतल की पत्ती होती है, मोटी पत्ती, यहाँ देखिए, है ना, ये वाली पत्ती, जिसमें तीन संयोजी पेच होते हैं, तीन संयोजी पेच कौन कौन से, एन डी और एक्स, नाम दे दिया मैंने, एन डी एक्स, ये होते हैं संयोजी पेच, ठीक है। ये एम और एन के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स आर बी संयोजित कर दिया जाता है, प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है मैं भी बताता हूँ आपको, सब बता दूंगा, और एक अज्ञात प्रतिरोध होता है ये x और y, जिसका क्या करना है हमको,
प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। उस अज्ञात अज्ञात चालक तार को क्या कर दिया जाता है, इस x और y संयोजी पेच x और y के बीच क्या कर दिया जाता है, संयोजित कर देते हैं या लगा देते हैं। फिर बच्चा आपके पास में देखो ये तार है आपका एक मीटर लंबा तार, अच्छा एक मीटर लंबा तार लेने के कारण ही इसको मीटर सेतु कहते हैं, ठीक है। ये जो तार है ना ए से लेकर सी तक ये तार है, यहां से लेकर यहां तक ये तार है, एक मीटर लंबा तार है, और एक मीटर लंबा तार लेने के कारण ही इसका नाम क्या रखें हमने, क्या नाम रखें इसका बोलिए, क्या नाम रखें, मीटर सेतु है ना इस, हाँ ओके ओके मीटर सेतु हमने नाम इसका इसीलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पर तार भी हम क्या ले रहे हैं, एक मीटर ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम हमने मीटर सेतु रखा है, बिल्कुल सही है, ओके। अब क्या है कि इसी तार के, ये जो तार है आपके पास में एसी, इसी तार के समांतर आपने क्या कर दिया, एक मीटर पैमाना लगा दिया है, मीटर पैमाना मतलब मीटर स्केल है ना, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा ये, है ना, जीरो जीरो टेन ट्वेंटी इस तरह से क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हंड्रेड तक के, तो आपने पहले क्या कर दिया, इसको दस खानों में बांट दो, दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, और सबके बीच चार चार लाइन बना दो, तो पांच खाने बन जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे सबके बीच में चार चार लाइन आप क्या कर देंगे, खींच देंगे, तो एक मीटर स्केल बन जाएगा, ठीक। इसके बाद में ये जो बिंदु ए है बिंदु सी है, तार के सिरे ए और सी, इनके बीच क्या कर दोगे आप, एक सेल सी लगा दोगे और कुंजी के लगा दोगे, ये सेल सी लगा दिया कुंजी के लगा दिया। अब आपके पास में क्या बचा, ये देखिए यहाँ पर इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन में आप देखिए कि ये संयोजी पेच डी है, संयोजी पेच, संयोजी पेच का मतलब, संयोजी पेच का मतलब है स्क्रू, है ना, स्क्रू, ठीक, उनको हम संयोजी पेच बोल रहे हैं, ठीक है, तो स्क्रू को पेच बोला जाता है हिंदी में। तो ये जो संयोजी पेच डी है उसको, उससे क्या कर देते हैं हम, इस धारा मापी जी को जोड़ देते हैं, और धारा मापी जी का जो दूसरा सिरा है ये जॉकी जे से जुड़ा होता है। अभी जॉकी जे क्या होता है ये भी मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ समझ लो कि इसको जॉकी बोलते हैं, कुत्ते का नाम नहीं है, है ना, उपकरण है, समझ में आ रही बात, तो ये उपकरण है कुत्ता नहीं, ठीक है। तो ये जॉकी जे को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जॉकी जे को क्या करते हैं हम, तार के अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। अभी कैसा होता है दिखाता हूँ, ये हो गई बात इतनी। अब आ रही बात यहाँ पर M और N के बीच मैंने एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा हूँ, ये भी बताता हूँ अभी क्या होता है, बस ये इसकी क्या होती है, पूरी संरचना होती है, ठीक है। रफली बात समझ में आई, आपने क्या किया, मैग्नीन का एक मीटर लंबा तार लिया, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैसा है, समान है, ठीक है, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला मैग्नीन का एक लंबा तार, एक मीटर लंबा तार लिया, और उस एक मीटर लंबे तार को पीतल की दो पत्तियों ए एम और सी वाई, ए एम और सी वाई के मध्य लकड़ी के तख्ते के ऊपर कस देंगे। अभी लकड़ी का तख्ता भी दिखाता हूँ मैं, लकड़ी के तख्ते के ऊपर कस दिया जाता है, ठीक है। फिर दोनों पत्तियों के बीच में एक और पीतल की मोटी पत्ती होती है जिसमें तीन संयोजी पेंच होते हैं, कितने, तीन संयोजी पेंच होते हैं, है ना, इन तीनों संयोजी पेंच को आपने नाम दिया एन डी और एक्स नाम दे दिया, ठीक है। फिर तार के जो सिरा है ए और सी, उसके बीच क्या कर दिया आपने, एक सेल सी जोड़ दिया, कुंजी के जोड़ दिया। फिर ये जो संयोजी पेंच है एम और एन, उनके बीच आपने क्या कर दिया, एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया। एक्स और वाई जो संयोजी पेंच है उनके बीच आपने क्या कर दिया, अज्ञात प्रतिरोध एस जोड़ दिया। यहाँ अज्ञात प्रतिरोध एस होता है और यहाँ पर होता है प्रतिरोध बॉक्स से एक निश्चित प्रतिरोध कैपिटल आर निकाला जाता है। फिर आपने क्या कर दिया, मीटर, एक मीटर लंबा तार होने के कारण इसको मीटर से तो कहते हैं कि बोल दिया। इस तार एसी के समांतर क्रम में, है ना, समांतर क्या कर दिया आपने, एक मीटर स्केल लगा दिया। फिर संयोजी पेंच डी है, इस संयोजी पेंच डी से आपने धारा मापी जी को जोड़ दिया, और धारा मापी जी का दूसरा सिरा जॉकी जे से जोड़ दिया, और जॉकी जे को जिस तार के बिंदु से आप स्पर्श कर रहे हैं उस बिंदु को क्या नाम दे दिया आपने, बी नाम दे दिया। क्लियर हो गई बात, यस ओके, यस आर नो। तो अब आपको लिखना क्या है, वैसे इसकी संरचना जब बोली जाती है तो आप संरचना सुनो एक बार फिर से चित्रानुसार, लिखना नहीं है आपको, आपकी कॉपी में नोट्स में तो ये रहेगा लिखा हुआ, लेकिन आपको परीक्षा में संरचना लिखना नहीं है। संरचना लिखने के लिए जहां वाला मैं अभी पार्ट बताने वाला हूं आपको उस तरह से लिखना है, ठीक है। चित्रानुसार मीटर सेतु के लिए या मीटर सेतु हेतु विद्युत परिपथ प्रदर्शित है जिसमें
जिसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु मैग्नीन के, या ऐसा बोलेंगे जिसमें एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु मैग्नीन के एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार को, लकड़ी के एक मीटर लंबे तार को, एक बार फिर से बोलते हैं, चित्रानुसार मीटर सेतु के लिए विद्युत परिपथ प्रदर्शित है जिसमें एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले मैग्नीन के एक मीटर लंबे तार को लकड़ी के तख्ते, एक मीटर लंबे तार को पीतल की दो पत्तियों ए एम व सी वाई के मध्य लकड़ी के तख्ते के ऊपर कस दिया जाता है। दोनों पत्तियों के मध्य एक और पीतल की पत्ती होती है जिसमें तीन संयोजी पेंच एन डी व एक्स होते हैं। ओके, संयोजी पेंच एम और एन के मध्य प्रतिरोध बॉक्स को संयोजित कर दिया जाता है तथा संयोजी पेंच एक्स और वाई के मध्य अज्ञात प्रतिरोध अज्ञात तार एस को लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर बोलेंगे कि तार के दोनों सिरों के समान से एक सेल सी और कुंजी के संयोजित कर दी जाती है। तार के समांतर क्रम में एक मीटर स्केल लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर बोलेंगे एक मीटर लंबा तार होने के कारण ही इसे मीटर सेतु कहते हैं। फिर बोल दिया जाएगा कि संयोजी पेंच डी से एक धारा मापी जी को जोड़ देते हैं जिसका दूसरा सिरा जॉकी जे से जुड़ा होता है। जॉकी जे को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराया जा सकता है। क्लियर दैट? यस आर नो? एक बार फिर से सुन लेते हैं, एक दो मिनट लगेगा सिर्फ। क्या लिखेंगे? लिखना नहीं है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चित्रानुसार मीटर सेतु के लिए विद्युत परिपथ प्रदर्शित है जिसमें एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद बदलना नहीं चाहिए तार का, जिसमें एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला मैग्नीन का एक मीटर लंबा तार पीतल की दो पत्तियों ए एम व सी वाई के मध्य लकड़ी के तख्ते के ऊपर कस दिया जाता है। दोनों पत्तियों के मध्य एक पीतल की और मोटी पत्ती होती है जिसमें तीन संयोजी पेंच होते हैं एन डी व एक्स। ठीक है, तार के एक मीटर लंबा तार होने के कारण ही इसे मीटर सेतु कहते हैं। एक मीटर लंबा तार होने के कारण इसे मीटर सेतु कहते हैं। तार के समांतर क्रम में एक, क्या है ये, मीटर पैमाना संयोजित कर दिया जाता है। मीटर पैमाना लगा हुआ होता है, मीटर स्केल लगा हुआ होता है। तार के दोनों सिरे ए और सी के मध्य एक सेल सी और कुंजी के संयोजित कर दी जाती है। फिर बोलेंगे कि एम एन संयोजी पेच एम और एन के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स आर को संयोजित कर दिया जाता है तथा संयोजी पेच एक्स और वाई के मध्य एक अज्ञात प्रतिरोध एस लगा दिया जाता है। संयोजी पेच डी से एक धारा मापी जी को जोड़ देते हैं जिसका दूसरा सिरा जॉकी जे से जुड़ा हुआ होता है। जॉकी जे को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराया जा सकता है। ठीक है, ये आपके पास में विद्युत परिपथ की व्याख्या हुई, लेकिन हमको व्याख्या इस तरह से नहीं करना है। हमको व्याख्या करना है ऐसा, जहां कौन सी चीज क्या है देख लो। तो जहां यहां है एसी, ए से लेकर सी तक है बराबर एक मीटर लंबा तार, या अगर ज्यादा इसको और डिस्क्राइब करना है तो आप एक मीटर लंबा मैग्नीन का तार भी लिख सकते हो। एक मीटर लंबा मैग्नीन का तार, ठीक। एसी के बाद में जो जो दिखता है वो लिखो। सी, सी क्या है बताइए, सेल है। के क्या है बताइए, क्या है, कुंजी है, ठीक। हाँ, अब ये आरबी क्या है बताइए, आरबी क्या है, क्या नाम दिया था इसका मैंने, यस आरबी इज इक्वल टू प्रतिरोध बॉक्स। एस क्या है, एस अज्ञात प्रतिरोध, जिसको क्या करना है अपने को ज्ञात करना है ना, यस। और बताइए जी क्या है, जी क्या है, धारा मापी, यस धारा मापी है। और बताइए जे क्या है, जॉकी, जे क्या है, जॉकी। और कुछ बचा क्या, एम और सी वाई, एम व सी वाई क्या है, ये पीतल की पत्तियां, पेड़ की पत्तियां नहीं है ना, ऐसे स्ट्रिप रहेंगी ऐसी चौड़ी, थोड़ी सी चौड़ी टाइप की है ना, चौड़ी और लंबी इस तरह से पीतल की पत्तियां। तो हमको जो जितने हमने बातें बताए
उसको अब कुछ बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। हमने विद्युत परिपथ की व्याख्या यहीं पर कर दी है। यहाँ क्या है, एसी क्या है, भैया एक मीटर लंबा तार है, ज्यादा ही है तो यहाँ एम लिख दो, एम तो एम बता दो क्या चीज है ये एम, एम क्या है मीटर स्केल है, बस हो गई व्याख्या, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से हो गई। कोई दिक्कत है कि बताइए, हाँ लिख दिया, एसी एक मीटर मैग्नीन का तार हो गया, सी हो गया सेल, के हो गया कुंजी, है ना, आर भी हो गया प्रतिरोध बॉक्स, एस हो गया अज्ञात प्रतिरोध, माइक बंद कर दो, एस हो गया अज्ञात प्रतिरोध, जी जो है वो है धारा मापी, जे जो है ये जॉकी है, ए एम व सी वाई जो है वो पीतल की पत्ती है, और एम जो है वो है मीटर स्केल, है ना। तो इस तरह से आपका पहला पोर्शन जो हो जाता है खत्म हो जाता है। दूसरा वाला मैंने आपको बोलकर बता दिया संरचना, दूसरा भी मैंने आपको बोलकर बताया ना चित्रानुसार ये है वो है कहके, वही संरचना है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो संरचना पूछी नहीं जाती है, विद्युत परिपथ पूछा जाता है, और विद्युत परिपथ में हमने कौन सी चीज क्या है ये हमने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया, यहां पर बता दिया है। क्लियर हो गई बात, यस आर नो। इस डायग्राम में किसी प्रकार का कोई डाउट है, बोलो, नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर में होती क्रियाविधि, क्रियाविधि वर्किंग। अब क्रियाविधि में क्या होता है, तो उसको क्रियाविधि को समझने के पहले मैं आपको जो चीज यहां पर दिख रही है ये डायग्राम तुमको कैसा दिखता है, कितना बड़ा होता है ये उपकरण, ये थोड़ी सी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रतिरोध बॉक्स से आपको रूबरू करा देता हूँ, और जॉकी किसे कहते हैं इससे भी क्या कर देते हैं, आपको थोड़ा सा घुमा के लेके आते हैं, ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। दिख रहा है सबको, यस आर नो, अरे दिख रहा है भाई, ये देखिए आप, ये है आपके पास में उपकरण, दिख रहा है आपको उपकरण, दिख गया, ये है, इस तरह से आपका एक लकड़ी की क्या होती है पट्टी होती है, और लकड़ी की पट्टी के ऊपर क्या कर देते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीले कलर का, है ना, ये लकड़ी का आपका पट्टा है, पट्टी जो भी आप बोले, या तख्ता जो मैं शब्द का उपयोग किया हूँ, तख्ता है, उसमें देखेंगे ये जो पीले पीले कलर के स्क्रू लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको कितने स्क्रू हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात स्क्रू हमारे डायग्राम में भी थे, दिख गया आपको स्क्रू, यस आर नो, राइट। और देखो आप जो मीटर स्केल लगा हुआ देखो, बिंदु 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 टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा, वो मीटर स्केल है, क्लियर हो गई बात, यस, हाँ बिल्कुल। तो आप इसको देख सकते हैं, और भी आप देख सकते हैं, एक और डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखिए, ये हमारा अभी जो मैंने बनाया है बिल्कुल इसी प्रकार से दिख रहा है, सब व्यवस्थित दिख गया, क्लियर। तो ये हमारा उपकरण जो है वो जैसा मैंने इसके पहले बताया था उसी तरह से क्या होता है अपना ये उपकरण होता है, ठीक है, ये हो गया आपका। आफ्टर देन इसके बाद में आप, तो ये मीटर से तो इस तरह से रहता है, कोई डाउट है क्या बताओ, किसी प्रकार का नहीं है, आगे बढ़ूं, अरे आगे बढ़ूं क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, तो प्रतिरोध बॉक्स ये है आपका प्रतिरोध बॉक्स, ये होता है प्रतिरोध बॉक्स। इस प्रतिरोध बॉक्स में ये एक ऐसा लकड़ी का डब्बा होता है, उसमें दो सामने में देखिए आप स्टील के, या स्टील के आपके पास में क्या लगे हुए हैं, स्क्रू लगे हुए हैं, है ना, उस स्क्रू में क्या कर देते हैं तारों को जोड़ देते हैं, एक तार ये पहले वाले स्क्रू से, दूसरा तार दूसरे वाले स्क्रू से, और ऊपर में देखिए जो ब्लैक ब्लैक कलर की पट्टियां लिखी हुई है, दिख रही है आपको, ब्लैक कलर की पट्टियां बोलता हूँ कुंजी, जैसे अपन कोई चीज लगाते हैं वैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ वो जो है वो एक ओम दो ओम पांच ओम दस ओम ऐसी कुंजियां होती है, अगर उस कुंजियों को क्या कर दिया जाएंगे, हम निकाल देंगे कुंजियों को, अगर हम निकाल देंगे तो जिस कुंजी को निकालते हैं
हर कुंजी के लिए प्रतिरोध का मान अलग अलग है वहां पर। जैसे उस तरफ में, इस तरफ में तो 1000 लिखा हुआ है, है ना, 1000, 2000, 2000, 1000 इस तरह से लिखा हुआ है। उस तरफ वाले में पहली वाली कुंजी जो होगी वो एक की होगी, एक ओम की, दूसरी वाली होगी दो ओम की, तीसरी वाली भी दो ओम की होगी, तीसरी चौथी वाली पाँच ओम की होगी, है ना, छठी वाली 10 ओम की होगी, इस तरह से। जैसे हमारे पास में 1 रुपये का सिक्का होता है, 2 रुपये का होता है, 5 रुपये का होता है, माइक बंद करो, 10 रुपये का होता है, 20 रुपये का होता है, और 50 रुपये का, 100 रुपये का, 500 का, 1000 का, है ना। माइक बंद करो, कौन की आवाज़ आ रही है? तो ये आपके पास, ये इस तरह से क्या होता है, जैसे आपके पास में सिक्के होते हैं 2 रुपए के, है ना, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ठीक है, फिर नोट होती है 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, ठीक है, 200 की, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, इन ओमों के मान होते हैं। पहली कुंजी का मान 1 ओम है, दूसरी कुंजी का मान 2 ओम है, तीसरी कुंजी का मान भी 2 ओम है, क्यों, क्योंकि हमको 3 निकालना होगा, 2 और 1 3 करना पड़ेगा। चौथी कुंजी का मान 5 ओम है, इस तरह से कुंजियाँ होती है। और जिस कुंजी को हम निकालते हैं, समझ में आ रही बात, जिस कुंजी को हम निकालते हैं उस वही उस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कहलाता है। जैसे मैंने 5 ओम की कुंजी को बाहर निकाल दिया, बाकी सभी कुंजियाँ कसी हुई हैं और मैंने केवल 5 ओम की कुंजी को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब उस प्रतिरोध बॉक्स का मान कितना होगा, कितना होगा बताइए, 5 होगा। अगर मैंने 10 ओम की कुंजी को निकाल दिया तो उस प्रतिरोध बॉक्स का मान कितना होगा, 10 होगा। समझ गए, जितने ओम की कुंजी निकालते हैं उस प्रतिरोध बॉक्स का मान क्या होता है, उतना ही होता है। उस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कितना होता है, उतना ही होता है। अगर मैंने 100 ओम की कुंजी निकाला हूं तो प्रतिरोध बॉक्स का क्या होगा, प्रतिरोध 100 होगा। इज इट क्लियर, यस आर नो? जिस ओम की कुंजी निकालेंगे वही उसका प्रतिरोध होगा। तो ये आपके पास में हो गया। एक और प्रतिरोध बॉक्स है, ये देख लीजिए आप, ये है ना, ये प्रतिरोध बॉक्स है। अब आती बात किसकी, जॉकी की। जॉकी इसको, ये एक उपकरण होता है जॉकी, ये है ना, बिल्कुल आपका जो नट कसने वाला, इस तरह से ये जॉकी होता है। जॉकी का ये पहला सिरा और ये आखिरी सिरा, यहाँ पर एक तार लगा होता है, पीले वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, पीला भाग, उसमें एक तार जुड़ा होगा। और ये वाला जो भाग है, ये जो मैग्नीन का आपने तार लिया, उस पर आप क्या करेंगे, इसको स्पर्श कराएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका जॉकी, इतना बड़ा होता है, कोई भारी उपकरण नहीं है। इसका एक और डायग्राम है आपके पास, इसको भी आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये हो गया आपका जॉकी। तो सभी प्रकार के जो आपके यहाँ उपकरण लगे हुए थे, क्या आप इनको देख चुके अच्छे से, समझ में आ रहा है? अब मैं जॉकी जॉकी बोलूँगा तो क्या क्या, अरे माइक बंद करो, यदि मैं जॉकी बोलूँगा तो बात समझ में आ जाएगी क्या बोल रहा हूँ मैं, जॉकी का मतलब क्या है, यस आर नो? ओके, जॉकी का मतलब क्या है, बात समझ में आ गई आपको? यस, हेलो, आवाज पहुंच रही मेरी?
और प्रतिरोध बॉक्स का मतलब क्या है, बात क्लियर होगी सबको अब? ठीक है, बैक हो जाऊं। ये किसने कर दिया ऐसा? हाँ ठीक, वापस आ गए हम फिर से अपनी जगह पर। तो ये हो गया आपका, तो देख लिया आपने ये प्रतिरोध बॉक्स कैसा था, जॉकी कैसा था, है ना, और ये उपकरण हमारा कैसा था। क्लियर हो गया सबको अब? यस आर नो? राइट। छब्बीस ही बच्चे कैसे हैं? अब देखिए, अब है आपकी क्रिया विधि। यहां तक कोई समस्या है क्या? बोलो। क्रिया विधि में क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं कुंजी, अब इसको भी फिर से रफली समझ लो। क्रिया विधि आप लोग लिखेंगे, लिखकर भेजेंगे क्रिया विधि आप लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस कुंजी के प्लग को लगाते हैं, क्योंकि जब तक कुंजी मतलब बटन आप चालू नहीं करेंगे तब तक की धारा बहने वाली नहीं है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, कुंजी के प्लग को लगाकर और प्रतिरोध बॉक्स से निश्चित प्रतिरोध की कुंजी निकालकर परिपथ में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, है ना। यहाँ कुंजी को निकालना है, लगा देना है। जैसे यहाँ कुंजी लगाएंगे और ये जो प्रतिरोध बॉक्स है उस प्रतिरोध बॉक्स क्या करेंगे, निश्चित प्रतिरोध आर की कुंजी निकालेंगे। जैसे मान के चलो हमने 5 ओम की कुंजी क्या कर दिया, निकाल दिया। यहां से कुंजी निकाल लिया आपने, यहां कुंजी लगा दिया, यहां से कुंजी निकाल लिया और परिपथ में क्या कर दिया, धारा प्रवाहित कर दिया। धारा प्रवाहित करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जॉकी जे को उठाते हैं और तार के बिंदु ए और सी पर क्रमशः क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं और परिपथ की सत्यता की क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है। जांच करने का मतलब यह होता है कि बिंदु ए पर अगर आपने स्पर्श कराया, यह आपका धारा मापी इस तरह से होगा, यह आपका धारा मापी ऐसा इस तरह से गोल ऐसा धारा मापी होता है, यहाँ बीच में उसका जीरो रहता है और यहाँ एक कांटा ऐसा घूमते रहता है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 1 2 3 इस तरह से होता है। अब क्या होता है, अगर आपने बिंदु ए पर स्पर्श कराया तो धारा मापी जो है वो ऐसा, बिंदु ए पर अगर आप स्पर्श करते हैं तो धारा मापी इस तरफ विक्षेप देगा, और अगर आप बिंदु बी पर क्या करते हैं, सी पर स्पर्श करते हैं तो धारा मापी का विक्षेप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, बिंदु ए और बिंदु सी पर अगर आप जॉकी को टच करा रहे हैं, स्पर्श करा रहे हैं और विक्षेप अगर विपरीत नहीं आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो परिपथ है वो सही नहीं है, है ना। परिपथ की सत्यता की क्या करते हैं, जांच करते हैं। और जांच करने का तरीका क्या होता है, आप जॉकी जे को उठाएंगे, तार के बिंदु ए और बिंदु सी पर क्या कराएंगे, स्पर्श कराएंगे और परिपथ की सत्यता की जांच करेंगे। परिपथ सही होने पर क्या होगा, परिपथ सही होने पर जैसे ये आपका जो स्केल होगा, है ना, जो धारामापी होता है, धारामापी का जो कांटा होगा, अगर बिंदु ए पर टच करा रहे हैं तो वो इस तरफ आएगा, ऐसा विक्षेप देगा, और अगर सी पर टच करा रहे हैं, इस बिंदु सी पर टच करा रहे हैं तो इस तरफ विक्षेप देगा, इस तरह से। तो ये विपरीत क्या होने चाहिए, विक्षेप आएंगे तो परिपथ सही होगा, अन्यथा परिपथ सही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यस आर नो? ठीक, यानी कि विक्षेप विपरीत आएंगे तभी परिपथ हमारा सही कहलाएगा। अच्छा, मान के चलते हैं हमारा परिपथ सही है। जब हमारा परिपथ सही है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इस जॉकी जे को क्या करेंगे, तार के अलग अलग बिंदुओं पर क्या करेंगे, स्पर्श कराएंगे, तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराएंगे और एक ऐसा बिंदु प्राप्त करेंगे जिसके लिए धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे मान के चलो मैंने तार को यहाँ से टच कराना स्टार्ट किया, रगड़ना नहीं है, स्पर्श कराना है, स्पर्श कराया, स्पर्श कराया, स्पर्श कराया, और एक ऐसा बिंदु हमको मिल गया जिसके लिए इस धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं, ठीक है। क्रिया विधि बता रहा था, है ना। जब परिपथ की सत्यता की जांच हो गई तो जॉकी जे को क्या किया मैंने, तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराया, अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराया मैंने, यहाँ कराया, यहाँ कराया, और एक बिंदु पर मैंने जब स्पर्श कराया तो इस धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, है ना। इस धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, इस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। क्या नाम दिया इसको मैंने, बी नाम दे दिया, ठीक है। और
ये जो बिंदु है, ये जो स्थिति मिली जब धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये स्थिति क्या कहलाती है बताइए। मैंने कल बताया था आपको, जब धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो ये स्थिति क्या कहलाती है, कौन सी स्थिति कहलाती है, संतुलन की स्थिति। ठीक है, हाँ। तो ये जो स्थिति है कि जब हमने जॉकी को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराया और एक ऐसा बिंदु प्राप्त किया जिसके लिए धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, यह स्थिति संतुलन की स्थिति। तीन नाम है इसके, संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति, इसी को बोलते हैं अविक्षेप की स्थिति, अविक्षेप की स्थिति। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये जो कांटा है ना, धारा मापी का कांटा, ये कहाँ पर आएगा, बिल्कुल शून्य में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, बिल्कुल शून्य में, ना वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो जब शून्य में आ जाएगा तो इसको एक और नाम होता है शून्य विक्षेप की स्थिति। कौन सी विक्षेप की, शून्य विक्षेप की स्थिति, समझ गए। तो कितने नाम है इसके, तीन। संतुलन की स्थिति, ये जो स्थिति प्राप्त होती है इसको हम संतुलन की स्थिति भी कहते हैं, इसी को हम अविक्षेप की स्थिति कहते हैं। ये जो कांटा इधर उधर होता है इसको विक्षेप बोलते हैं, विक्षेपित होना कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको हम, विक्षेपित होना। समझ में आई बात, ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम, विक्षेपित होना कहते हैं। और शून्य पर कांटा आ जाता है इसलिए हम इसको शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। और जो बिंदु प्राप्त होता है उसको हम संतुलन बिंदु कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, संतुलन बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गई बात, यस आर नो। अब जब संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाता है तो ये जो ए बी भाग का प्रतिरोध होता है ना, ए बी भाग का प्रतिरोध, इस ए बी भाग का प्रतिरोध जो होता है वो आनुपातिक प्रतिरोध पी को प्रदर्शित करता है। ए बी भाग का प्रतिरोध आनुपातिक प्रतिरोध पी को प्रदर्शित करता है और बी सी भाग का जो प्रतिरोध है आनुपातिक प्रतिरोध क्यू को प्रदर्शित करता है। और मीटर स्केल की सहायता से आप क्या करते हैं, ए बी भाग की लंबाई स्मॉल एल ज्ञात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ए बी भाग की लंबाई स्मॉल एल ज्ञात कर लेते हैं। और जब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई एल है तो बची वाली लंबाई कितनी होगी, बताओ यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी भाई, मान के चलो जैसे यहां से लेकर यहां तक ये बिंदु आया 40 पर, तो बची वाली लंबाई कितनी होगी बताओ, यहां तक बोलो, अरे ये बिंदु बी आपको प्राप्त हुआ 40 पर, तो बची लंबाई कितनी होगी यहां से यहां तक, 60 होगी ना, होगी कि नहीं होगी भाई, जब एक तरफ 40 हो गया यहां तक 40 हो गया मान चलो, तो यहां तक बची कितनी लंबाई होगी, 60 होगी। और 60 कैसे निकाला आपने, 60 कैसे निकाला, 100 में से 40 को घटाकर। तो वैसे अगर यहां से लेकर यहां तक की लंबाई आपकी एल है तो बची वाली लंबाई कितनी होगी, 100 माइनस एल होगी, ओके। जैसे 100 माइनस आपने 100 माइनस आपने 40 किया, वैसे यहां 100 माइनस 100 हो जाएगा, ये लंबाई आपकी 100 माइनस एल हो जाएगी, ठीक है, नहीं भी लगाई नहीं चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100 माइनस एल इस तरह से है ना। और ये जो एल और 100 माइनस एल के जो मान है, एक सूत्र मिलेगा हमको, सूत्र मिलता है अपने को, कौन सा सूत्र मिलता है, एस अज्ञात प्रतिरोध एस का होता है आर 100 माइनस एल अपॉन एल, ये फार्मूला आने वाला है हमको जब हम सूत्र की स्थापना करेंगे तो ये एक अपने पास फार्मूला आएगा, S इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। इस सूत्र में क्या कर देंगे, मान रख देंगे L का, और 100 माइनस L का क्या करेंगे यहाँ पर मान रख देंगे, ठीक है, या L का सिर्फ मान रख देंगे, तो क्या करेंगे हम, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध S की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ रफ बताया हूँ, क्लियर नहीं हुआ ये, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध S की गणना इस सूत्र की सहायता से करेंगे। जैसे एल का मान आया 40, तो इस सूत्र S इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल में क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है, और अज्ञात प्रतिरोध S की गणना कर लेंगे। अभी तो आपने प्रयोग का एक ही चरण पूरा किया है, अभी आपने प्रयोग का एक ही चरण पूरा किया है ना। अब क्या करेंगे, प्रयोग को बार बार दोहराना भी है हमको, प्रयोग को क्या करना है हमको, बार बार दोहराना भी है। तो प्रयोग को बार बार दोहराने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध बॉक्स, पहले आपने इसमें से कितने ओम की कुंजी निकाला था, कितने ओम की निकाला था, 5 की निकाला था मान के चलो, अब क्या करेंगे, 10 की निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, 15 की निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, 20 की निकालेंगे,
समझ में आई बात? तो R के मानों को बदल बदल कर बदल सकते हैं हम। प्रतिरोध बॉक्स है, हम पहले 5 निकालेंगे, फिर 10 निकालेंगे, फिर 15 निकालेंगे, फिर 20 निकालेंगे, ठीक है। तो R के मानों को, कैपिटल R के मानों को बदल बदल कर क्या करते हैं, प्रयोग को कई बार दोहराते हैं, लिखते कई बार हैं, दोहराते 3 से 4 बार हैं। सच बात यह है ना? तो लिखेंगे जरूर, लेकिन R के मानों को क्या करते हैं, बदल बदल कर प्रयोग को कई बार दोहराते हैं, ठीक। तथा प्राप्त S के मानों का औसत ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान चलो पहली बार में अज्ञात प्रतिरोध S का मान आया आपका 12, दूसरी बार में 13 आया, तीसरी बार में 11 आया, चौथी बार में फिर से 12 आया। तो 4 बार आपके पास मान निकले S के, 4 मान उन चारों को जोड़ देंगे और 4 का भाग दे देंगे, ऐसा उसका औसत निकाल लेंगे, और औसत निकाल कर अज्ञात प्रतिरोध S की क्या कर लेंगे आप, गणना कर लेंगे। यहां पर जाकर आप क्या हो जाती है, क्रियाविधि खत्म होती है। बात समझ में आ रही है? यस आर नो? अब देखो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं आपको, करना क्या है ना, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, क्योंकि इसको लिखना है आपको, आप लिखेंगे इसको, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको लिखना है इसको, क्योंकि आज हो नहीं पाएगा, इसके 3 पार्ट फिर रह जाएंगे, सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी, सावधानियां और विशिष्ट प्रतिरोध की गणना, ठीक है। तो हम अभी केवल 3 ही पार्ट कर पाए हैं, है ना, क्रियाविधि तक हम पहुंचे हैं। क्रियाविधि तक जब हम पहुंचे हैं तो हम एक बार फिर से क्रियाविधि देखते हैं, क्या करना है आप देख लो सब लोग। सर्वप्रथम, अब ये देखो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना है, क्योंकि क्रियाविधि लिखने आती है। सर्वप्रथम कुंजी के प्लग को लगाकर प्रतिरोध बॉक्स से, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम कुंजी के प्लग को लगाकर प्रतिरोध बॉक्स से निश्चित प्रतिरोध की कुंजी निकालकर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। तत्पश्चात जॉकी जे को तार के बिंदु ए और सी पर क्रमशः स्पर्श कराकर परिपथ की सत्यता की जांच करते हैं। परिपथ सही होने पर विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में प्राप्त होते हैं। परिपथ सही होने पर विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में प्राप्त होते हैं। अब जॉकी जे को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराकर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए या जिस पर धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह स्थिति संतुलन की स्थिति या अविक्षेप की स्थिति या शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं, तथा प्राप्त बिंदु बी को संतुलन बिंदु कहते हैं। इस स्थिति में ए बी भाग का प्रतिरोध आनुपातिक प्रतिरोध पी को तथा बी सी भाग का प्रतिरोध आनुपातिक प्रतिरोध क्यू को प्रदर्शित करता है, ठीक। मीटर स्केल की सहायता से ए बी भाग की लंबाई स्मॉल एल ज्ञात कर ली जाती है, तथा प्रयुक्त सूत्र एस इज इक्वल टू आर 100 - L / L में रखकर अज्ञात प्रतिरोध एस की गणना कर ली जाती है, राइट। फिर बोलेंगे कि आर के मानों को बदल बदल कर, आर के मानों को बदल बदल कर प्रयोग को कई बार दोहराते हैं, तथा प्राप्त S के मानों का औसत ज्ञात कर, प्राप्त S के मानों का, जैसे मैंने 4 मान निकाला था, प्राप्त S के मानों का औसत ज्ञात कर अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर ली जाती है, राइट। यस आर नो? बन जाएगा कि नहीं, और तो नहीं बताना पड़ेगा, क्लियर? क्रियाविधि और तो नहीं बताना पड़ेगा, बोलो।
ये जो मीटर सेतु है पर के सिद्धांत, मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे पता चलेगा आपको? बताइए क्या देख लिया आपने जिससे आप बोल रहे हैं कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है? क्योंकि कल हमने जो व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा था वो तो अलग ही दिख रहा था, आज ये अलग ही दिख रहा है। तो देखो कैसे बिल्कुल सेम है, इसको एक डायग्राम के थ्रू देखो। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, और यहां पर क्या था बताइए? धारा मापी जी, इस तरह से सेल कुंजी, ये था डायग्राम, ये था कि डायग्राम बताओ? या सर नो? हाँ अब देखो, अब मेरे को ये बताओ यहां पर, अब देखो यही चीज यहां पर बनाया कि नहीं? मैंने देखो जरा, ये देखो ए और बी, ए और बी के बीच कौन जुड़ा है? पी। तो देखो ए और बी के बीच कौन जुड़ा है? ए और बी के बीच कौन है? पी है। या सर नो? बी और सी, बी और सी के बीच कौन जुड़ा है? क्यू। ये देखो बी और सी कौन जुड़ा है? क्यू, बी और सी के बीच। मिल गया? मिला कि नहीं? अब देखो बिंदु ए और बिंदु सी, बिंदु ए और बिंदु सी के बीच सेल और कुंजी, ये देखिए बिंदु ए और बिंदु सी के बीच सेल और कुंजी। क्लियर? ए और सी के बीच। हाँ अब देखो ए और डी, ए और डी के बीच प्रतिरोध आर, ये देखिए ए और डी, ये ए हो गया और ये डी हो गया, ए और डी के बीच कौन जुड़ा है? आर है। और सी और डी, सी और डी के बीच में कौन रहता है? एस। तो देखो ये हो गया सी और ये हो गया डी, तो ये देखो सी और डी, सी और डी के बीच कौन जुड़ा है? एस, राइट। और देखो बी और डी, बी और डी के बीच में कौन है? वी। तो ये देखो ये है बी और ये है डी, कौन जुड़ा है? बात समझ में आ गई? हाँ आप समझ में आया कैसा है? बिल्कुल मीटर से तू पूरा का पूरा व्हीट स्टोन सेतु है कि नहीं, बताओ आप? ठीक, यानी जैसे हमने यहां पर पी क्यू आर एस को जोड़ा था, सेल जोड़ा था, धारा मापी जोड़ा था, बिल्कुल यहां पर भी उसी तरीके से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर दैट? यस ओके ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने पढ़ चुका था मीटर सेतु, मीटर सेतु की संरचना, उसका विद्युत परिपथ, उसकी संरचना, उसकी क्रियाविधि, है ना? तीन पार्ट उसके हो गए थे। आज हम चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। चौथा पार्ट है आपका सूत्र की स्थापना, है ना, फिर प्रेक्षण सारणी, फिर सावधानियां और फिर विशिष्ट प्रतिरोध की गणना। ओके तो शुरू करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रेक्षण सारणी, प्रेक्षण सारणी ऑब्जर्वेशन टेबल, इसी को अवलोकन तालिका भी कहते हैं, है ना? क्या नाम है इसका? एक अवलोकन तालिका। ओके तो स्टार्ट करते हैं। देखो कभी भी प्रेक्षण सारणी यदि बनाते हैं हम लोग, तो आपको याद रखना है कि जो भी आपको सूत्र मिला है उस सूत्र के आधार पर ही क्या होती है? प्रेक्षण सारणी बनती है। समझ में आया? प्रेक्षण सारणी बनाने का तरीका क्या है? प्रेक्षण सारणी बनाने का तरीका यह है कि जो आपको सूत्र मिला हुआ है उस सूत्र के आधार पर क्या होती है? प्रेक्षण सारणी बनती है। ठीक, आप प्रेक्षण, आप बताइए सूत्र कौन सा है आपके पास जो मीटर से? अच्छा अभी तो प्रेक्षण सारणी नहीं आएगा, पहले क्या आएगा आपका? क्या आएगा? अभी आपने सूत्र की स्थापना ही नहीं किया ना, सॉरी। हाँ सूत्र की स्थापना नहीं किया आपने, तो पहले सूत्र की स्थापना वाला पॉइंट आएगा। सही बोल रहे हो आप, तो देखते हैं पहले सूत्र की स्थापना तो कर ले। सूत्र की स्थापना यह भी बहुत इजी है, देखते
जो मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, बोलो। यस, है ना। तो यहां लिख देते हैं मीटर सेतु फीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः वीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होता है? वीट स्टोन सेतु सिद्धांत बताओ, वीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, बोलिए, बोलो। पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, बिल्कुल, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं इसको हम, क्लियर है यहां तक, ओके। अब मुझे बताइए कल ए बी भाग की लंबाई कितनी थी? ए बी भाग की लंबाई एल, ठीक। तो ए बी भाग की लंबाई इज इक्वल टू एल, अच्छा। बी सी भाग की लंबाई कितनी थी बताइए? बिल्कुल, वो थी 100 माइनस एल, क्लियर। अब ए बी भाग का प्रतिरोध, जो डायग्राम था उस डायग्राम में ए बी भाग के प्रतिरोध को हमने आनुपातिक प्रतिरोध कहा था, और उसका प्रतिरोध कितना माना था आपने, बताइए क्या माना था? पी माना था, बिल्कुल। और प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, जैसे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये आपके उसमें फार्मूला होता है, कि नहीं, बोलिए। R ये होता है ना, हाँ। तो वैसे यहां पर हम R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए ही फार्मूला लगा रहे हैं, लेकिन R के स्थान पर प्रतिरोध कितना है अपने पास, अभी P है, तो हम R बराबर क्या लिख रहे हैं यहां पर, P लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि अभी हमारे पास में ए बी भाग का प्रतिरोध P है, सूत्र वही लगाएंगे, तो रो एल अपॉन ए, क्लियर, यस आर नो। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, बीसी भाग का प्रतिरोध क्या है, इसको हमने आनुपातिक प्रतिरोध क्यू कहा था, तो बीसी भाग का प्रतिरोध कितना हो गया, क्यू इज इक्वल टू रोह तो आ गई एल, एबी भाग की लंबाई एल थी, इसलिए एबी भाग का प्रतिरोध में हमने एल अपॉन ए लिखा। बीसी भाग का प्रतिरोध लंबाई कितनी है, 100 माइनस एल है, कितनी है, माइक बंद करो किसका है, तो 100 माइनस एल, और अपॉन में ए ही आएगा। अब दोनों में ए क्यों आया, इसको समीकरण नंबर 3 दीजिए, बात समझ में आ रही है। एबी भाग की लंबाई एल थी, इसलिए हमने क्या किया, एबी भाग की लंबाई एल थी, इसलिए हमने एल अपॉन ए लिखा एबी भाग के प्रतिरोध को। बीसी भाग का प्रतिरोध आनुपातिक प्रतिरोध Q को प्रदर्शित करता है, और Q इज इक्वल टू भी सूत्र यही वाला लगाया हमने, रो L अपॉन A, लेकिन L के स्थान पर 100 माइनस L आएगा, क्योंकि बीसी भाग की लंबाई 100 माइनस L है, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। कल मैंने आपको बताया था इसकी संरचना पढ़ाते समय, मीटर सेतु की संरचना में, कि जो तार लिया है आपने मैग्नीन का, वो एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला तार है, मतलब उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद बदल रहा है क्या, बोलिए, बदल रहा है नहीं, इसलिए हमने ए बी भाग के प्रतिरोध में भी वही तार है, बीसी भाग के प्रतिरोध में भी वही तार है, तो हमने यहां पर भी ए लिया है, यहां पर भी ए लिया है, इज इट क्लियर, यस आर नो। क्योंकि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, ओके, बस हो गया। तो आपने लिखा ए बी भाग की लंबाई, बीसी भाग की लंबाई 100 माइनस एल, ए बी भाग का प्रतिरोध पी बराबर रो एल अपान ए, बी सी भाग का प्रतिरोध क्यू बराबर रो 100 माइनस एल अपान ए, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 और 3 का भाग कर दीजिए, है ना, समीकरण नंबर 2 भागित समीकरण नंबर 3 से, है ना, इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3, क्या होगा,
लेफ्ट से लेफ्ट का भाग दीजिए और राइट से राइट का. इज इट क्लियर? ओके. तो लेफ्ट से लेफ्ट का भाग दो जरा. लेफ्ट में पी है और क्यू है, तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, है ना, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू. हाँ, अब राइट से दीजिए, रो एल अपॉन ए, ये मुख्य बटे, फिर रो 100 माइनस एल अपॉन ए. इज इट क्लियर? रो से रो कटेगा, ए से ए कटेगा. क्लियर है? यस आर नो? क्या बचा बताइए, क्या क्या बचा? हाँ, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू, ऊपर में केवल L बचा हुआ है और नीचे में बचा हुआ है 100 माइनस L. इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4. क्लियर? अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 को देखो. देखेंगे क्या दिख रहा है आपको, बताइए क्या दिख रहा है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 से, बोलिए क्या दिख रहा है. यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जो, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ये भी पी अपान क्यू है, ये भी पी अपान क्यू है. लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर, दैट इज आर अपॉन एस जो होगा वो एल अपॉन 100 माइनस एल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. राइट? हमको मान किसका निकालना है बताइए, किसका मान निकालना है बोलिए, किसका मान निकालना है? किसका मान निकाल, अज्ञात प्रतिरोध. तो अज्ञात प्रतिरोध कौन है यहां, एस है, तो हमको एस का मान निकालना है. बिल्कुल, तो हम यहां पर एस का मान निकाल लेते हैं. तो एस को हम यहां लाते हैं, एल को यहां ला लेते हैं और 100 माइनस एल को यहां ला लेते हैं. ठीक है, तो यहां 100 माइनस एल आ जाएगा, तो 100 माइनस या आर इंटू 100 माइनस एल, आर इंटू 100 माइनस एल, ये यहां यहां गुणा कर दिया, एस यहां चला गया और ये एल यहां इसके बटे में आ जाता है. ये हो गया आपके पास में एल और इज इक्वल टू ये एस यहां चला गया. समझ में आया क्या किया, एल को यहां लाया, इसको यहां लाया. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल आर 100 माइनस एल अपॉन स्मॉल एल. ये आपके पास में क्या आ गया, फार्मूला आ गया, जिसकी चर्चा मैंने कर चुका हूं इसके पहले, कल भी कर चुका हूं. ठीक, तो अगर आपको आर व एल का मान ज्ञात होने पर अज्ञात प्रतिरोध एस की गणना की जा सकती है. इज इट क्लियर? ओके, अगर हमको आर और एल मालूम हो तो आप एस ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते है ना. तो मेरे हिसाब से सूत्र की स्थापना में कुछ ज्यादा था नहीं. मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से पी अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस, है ना. फिर आपने ए बी भाग की लंबाई एल, बी सी भाग की लंबाई 100 माइनस एल, ए बी भाग का प्रतिरोध पी, बी सी भाग का प्रतिरोध क्यू निकाल लिया, दो भागे तीन किया, पी अपान क्यू का मान इतना आया, समीकरण नंबर 4 दिया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 4, लेफ्ट बराबर राइट बराबर, आंसर आपके सामने उपस्थित है. ठीक है, यस आर नो? बन जाएगा. चलिए, तो अब फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है बताइए. अब है आपकी प्रेक्षण सारणी, प्रेक्षण सारणी, ऑब्जर्वेशन टेबल. ओके, अवलोकन तालिका के नाम से भी इसको जाना जाता है. प्रेक्षण सारणी बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी सूत्र होता है उसी सूत्र से क्या हो जाती है, आपकी प्रेक्षण सारणी बन जाती है. ठीक है, सूत्र क्या है आपके पास, सूत्र है आपके पास कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल आर 100 माइनस एल अपॉन एल. ओके, तो
वहीं से शुरू करते हैं, आर है ना, उसके बाद में एल और 100 मैच एल लिखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रेक्षण सारणी में क्या आता है बताइए, क्या आता है? क्रमांक आता है, है? तो कोई बात नहीं, क्रमांक आ गया, ठीक। उसके बाद ज्ञात प्रतिरोध, आर क्या है? ज्ञात प्रतिरोध है, तो यहां लिख देते हैं ज्ञात प्रतिरोध आर, ओम में रहता है इसका मान, ओके। उसके बाद में एल, एल क्या है? ये था ए बी भाग की लंबाई, है क्या नहीं बताओ, क्या है एल बताइए, बताइए ए बी भाग की लंबाई एल, ए बी किस में रहेगी? सेंटीमीटर में रहेगी, क्योंकि आपके पास में पैमाना क्या लगा हुआ है? मीटर में, एक मीटर का पैमाना लगा हुआ है, तो बताइए उसमें आप 10, 20, 30 नापोगे तो किस में नापोगे, किसमें? सेंटीमीटर में नापोगे ना, ओके, तो सेंटीमीटर। फिर बीसी भाग की लंबाई बताइए, बीसी भाग की लंबाई, माइक बंद करिए अपना, कौन है? बीसी भाग की लंबाई ये क्या है बताइए, बीसी भाग की लंबाई 100 माइनस एल सेंटीमीटर में, ओके। अब आप क्या बच गया, जब आर हो गया, एल हो गया, 100 माइनस एल हो गया, तब ऐसे ही बचता है, तो अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध है ना, एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन, या अगर अज्ञात प्रतिरोध नहीं भी लिखेंगे तो हम सीधे सूत्र लिख दें, यहां काम खत्म है ना, उतना दिमाग नहीं लगाना, एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल, बस ये आपकी प्रेक्षण सारणी जो है ये बनके तैयार है, समझ गए? अब प्रयोग को क्या क्या करेंगे हम, कम से कम कई बार लिखते हैं लेकिन दोहराते कितनी बार है, कम से कम 3 से 4 बार हम दोहराते ही हैं, तो यहां क्रमांक देंगे 1, 2, 3, 4, भरना कुछ नहीं है अभी यहां, है ना, प्रेक्षण सारणी को आपको अभी कुछ भरना नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग जब हम करते हैं तब उसमें क्या करेंगे, भरेंगे। अभी जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसमें 5, 10, 15, 20 ऐसा भरेंगे, जो भी फिर प्रेक्षण आएगा हम देखेंगे, उसको अभी हमको कुछ करना नहीं है, राइट? यस आर नो, ओके। फिर है आपका पांचवे के बाद में छठवा पॉइंट है आपका, है ना, सिक्स पॉइंट है आपका सावधानियां, सावधानियां प्रिकॉशंस, सावधानियां क्या होती है ना, तो हम ऐसा बोलते हैं सावधानियों के बारे में, नंबर वन, जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए अन्यथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान नहीं रह पाएगा। हमने पहले ही बोला है, हमने यहां पर जो सूत्र की स्थापना की थी, उस सूत्र की स्थापना में क्या किया, सूत्र की स्थापना में ए को हमने नियत माना, है ना, ए बी भाग के प्रतिरोध को निकालते समय भी और बी सी भाग के प्रतिरोध को निकालते समय भी आपने ए के मान को कैसा किया है, ए ही लिखा है, बदला नहीं है। तो जब आप जॉकी को रगड़ेंगे तो क्या होगा, कहीं पर तार क्या हो जाएगा, पतला, और कहीं पर तार क्या रह जाएगा, मोटा रह जाएगा, रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्षरण हो जाएगा, समझ में आ रही बात? तो जॉकी को अगर रगड़ेंगे तो क्या तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान रह पाएगा क्या, बोलिए, नहीं रह पाएगा, है ना, अगर जॉकी को रगड़ते हैं तो तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान नहीं रह पाएगा, और अगर तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान नहीं रह पाएगा तो फिर हमको ए का अलग अलग मान लेना पड़ेगा और ये वाला सूत्र मिलेगा नहीं हमको। तो ऐसी स्थिति में पहला प्रिकॉशन आपका हो जाता है, है ना, पहला प्रिकॉशन आपका होता है कि जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए अन्यथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान नहीं रह पाएगा, पहला। दूसरा यह है कि धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब पाठ्यांक ले रहे हों, है ना, धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब पाठ्यांक ले रहे हो, अन्यथा तार के गर्म होने से तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
ऐसा नहीं कि आप प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद में आपने क्या कर दिया है, स्विच ऑन कर दिया है, धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रही है ना, और आप चाय पीने चले गए। अब आ रहे हैं आप 5-7 मिनट बाद, तब तक के धारा प्रवाहित होने से क्या हो गया, वो तार गर्म हो गया, और तार गर्म हो गया तो अज्ञात प्रतिरोध का मान मान के चलिए एस बराबर होना चाहिए था कितना, 10 ओम। और आप चाय पीकर लौटे है ना, और आपके पास में तार के गर्म होने से, क्योंकि हमको मालूम है तार का, जब तार गर्म होता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो पता चल रहा है कि तुम्हारा उत्तर आ रहा है कितना, 20 ओम। जबकि एक्चुअल में है क्या वो तार का प्रतिरोध, 10 ओम है, और आपका प्रतिरोध कितना हो गया, आ कितना रहा है, 20 ओम। क्यों, क्योंकि आप चाय पीने चले गए वहाँ, है ना। तो आपको क्या करना है, प्रयोग करते समय ही आप मतलब करें कि ये प्रेक्षण लेते समय क्या करना है, आपको धारा प्रवाहित करनी है ना। धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब प्रेक्षण ले रहे हो, अन्यथा अगर धातु के तार में धारा प्रवाहित होती तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और अगर तार गर्म हो गया उसका ताप बढ़ गया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम जो रियल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे है ना, रेजिस्टेंस कैपिटल रेजिस्टेंस एस की, वो हमको नहीं मिलने वाली है। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ बताइए, धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब पाठ्यांक ले रहे हों, अन्यथा तार के गर्म होने से तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दो बातें हो गई, पहली बात हो गई जॉकी वाली, दूसरी बात हो गई धारा प्रवाहित वाली, है ना, धारा प्रवाहित तभी करनी चाहिए जब पाठ्यांक ले रहे हो। तीसरी बात है प्रतिरोध बॉक्स के, प्रतिरोध बॉक्स की सभी कुंजियां अच्छी तरह से कसी होनी चाहिए। अब पता चल रहा है कि हमने यहां पर R का मान 5 रखा, R का मान कितना रखा, 5 रखा, है ना, और मान के चलो कि तुम्हारी एक 10 ओम की कुंजी थोड़ी ढीली है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो प्रतिरोध बॉक्स है ना, उस प्रतिरोध बॉक्स में आपको मैं फिर से दिखा दूं, ये आप देखेंगे, ये देखिए है ना, ये सब क्या है, ये कुंजियां हैं, ठीक। अब इन कुंजियों में मान के चलो आपने, कुंजियों में आपने क्या कर दिया, कुंजियों में आपने किसी कुंजी को क्या कर दिया, आपने दबा दिया, ये 5 ओम की कुंजी है आपके पास में, ठीक है, ये है 5 ओम की कुंजी, इसको आपने निकाला है। और मान के चलिए कि कोई 10 ओम की कुंजी जो है यहां पर थोड़ी ढीली पड़ गई, 5 ओम की कुंजी को निकालोगे तो क्या होगा, है ना, 5 ओम की कुंजी को क्या करोगे आप, निकालोगे तो ठीक है 5 ओम हो गया, है ना, तो इसका प्रतिरोध यहां पर 5 ओम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन धोखे से अगर मान चलो आपने पूरी कुंजियों को नहीं कसा है, और ये 10 ओम की जो कुंजी है, 10 ओम की जो कुंजी है अगर मान के चलिए कि क्या रहती है, खुली रह जाती है, तो फिर क्या हो गया, आप लिख तो यहां पर 5 रहे हैं, लेकिन 5 और 10 कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख 5 रहे हैं, कैलकुलेशन भी 5 से करेंगे, लेकिन आंसर क्या किसमें आएगा आपका, 15 में आ जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा कितनी बताइए। तो आपके पास में तीसरा जो है आपके पास कि प्रतिरोध बॉक्स की सभी कुंजियां क्या होनी चाहिए, अच्छी तरह से कसी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके पास में पॉइंट है। इसके बाद में और देखते हैं, फिर आपके पास में एक और पॉइंट था, क्या था एक और पॉइंट, कि सभी संयोजी पेंच अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, ठीक है, सभी संयोजी पेंच अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, है ना। अब देखो संयोजी पेंच में आपके पास में क्या है, ये देखो ये संयोजी पेंच थे आपके, ये ये देखेंगे, ये संयोजी पेंच है, ये संयोजी पेंच क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, कसे भी होने चाहिए, ठीक। तो ये इस तरह से अगर आपके मान के चलो कोई भी एक तार ढीला पड़ा हुआ है तो फिर आपका जो प्रयोग है वो सफल नहीं हो सकता, है ना, परिपथ आपका सही नहीं हो सकता, विक्षेप परस्पर विपरीत आएंगे ही नहीं आएंगे। तो आपको जब भी विक्षेप विपरीत नहीं आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके कनेक्शन को क्या करना है, दुरुस्त करना है कि भाई आपने जो तार जोड़े हैं वो बिल्कुल टाइट हैं या नहीं है, अच्छी तरह से कसे हैं या नहीं है,
ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इस तरह से। तो हम अब बैग लाते हैं पुनः अपनी जगह पर, राइट। तो क्या हो गया बताइए, कितने हो गए साधने, कितनी हो गई बताइए, कितनी हो गई। जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान नहीं रह पाएगा। धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब पाठ्यांक ले रहे हो, अन्यथा तार के गर्म होने से तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बॉक्स की सभी कुंजियां अच्छी तरह से कसी होनी चाहिए। और चौथी बात, जब कुछ समझ में ना आए तो आपको यही लाइन लिखना है कि सभी संयोजी पेच अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सावधानियां, है ना। और अब अंतिम हम यहां पर देखने जा रहे हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेवेंथ, विशिष्ट प्रतिरोध की गणना, है ना। कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध का एक और नाम क्या है बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध का एक और नाम क्या है बोलो। प्रतिरोधकता, यस, रेजिस्टिविटी। ओके, प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करना है हमको, तो हम लिख लेते हैं, माना कि अज्ञात प्रतिरोध वाले तार की लंबाई, माइक बंद करिए, माना माइक बंद करो, माना कि अज्ञात प्रतिरोध वाले तार की लंबाई स्मॉल एल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्रतिरोध कितना है इसका, तो कितना है प्रतिरोध अज्ञात तार का बताइए, अज्ञात प्रतिरोध वाले तार का, एस है ना, एस, तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो है। तब प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है बताओ, अभी हमने लिखे थे R बराबर क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A, यही होता है ना। तो हमारे पास में अभी प्रतिरोध आ रहा है क्या, ऐसे बताइए, बताइए आ रहा है क्या ऐसे, विशिष्ट प्रतिरोध ऐसे। तो हम क्या करेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे हम, एस लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से रोह का मान निकाल लीजिए, तो रोह एस तो हमने कर चुके हैं गणना एस की, हमको रोह निकालना है, तो क्या आएगा, एस ए अपान में क्या जाएगा, एल आ जाएगा। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि तार की त्रिज्या स्मॉल r हो, तब बताइए a बराबर क्या होगा, तार की त्रिज्या अगर स्मॉल r हो तो a इज इक्वल टू क्या होगा, कौन बताएगा, अरे बोलो भाई,
नहीं? अच्छा ये बताओ, ये तार है ना, ये तार है आपके पास में, तो इस तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं? ये लो, हाँ अब दिख रहा है? ये कैसा है बताइए, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद कैसा है बताइए? हाँ कैसा है अनुप्रस्थ परिच्छेद कैसा है? माइक बंद करो आंचल कांतों ने, तुम्हारा माइक क्यों आना जाता है बार बार? ये कैसा है बताइए? अरे ये वाला क्षेत्रफल कैसा है? वृत्ताकार है, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद कैसा है यहां पर? वृत्ताकार तार का, तो कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल लगाओगे कि लगाओगे यहां पे बताइए? हाँ तो पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहां पर, है ना, तार की त्रिज्या है तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर एक से, एक से, तो समीकरण नंबर एक से आ गया रो इज इक्वल टू एस इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, बस है ना, ये आपके पास में विशिष्ट प्रतिरोध की क्या हो गई, गणना हो गई। तो क्लियर हो गई बात, ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध या तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। नंबर वन विद्युत परिपथ, नंबर टू संरचना, नंबर तीन क्रियाविधि, नंबर फोर सूत्र की स्थापना, नंबर फाइव टेक्स्ट सारणी, नंबर सिक्स सावधानी, या नंबर सेवन विशिष्ट प्रतिरोध की गणना।